118 एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो चुके हैं। एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं, जिनमें पहले तो एसिड है। कंपाउंड्स विच कैन गिव एच पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड एसिड। फॉर एग्जांपल HCl इन एक्वस स्टेट इट कैन गिव एच पॉजिटिव एंड Cl माइनस H2SO4 इन एक्वस स्टेट इट कैन गिव एच पॉजिटिव इन SO4 माइनस 2। HNO3 इन एक्वस स्टेट इट कैन गिव एच पॉजिटिव एंड NO3 माइनस। दूसरा हमारे पास है बेस। बेस जो होता है कंपाउंड्स विच कैन गिव OH माइनस इन एक्वस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल NaOH इन एक्वस स्टेट इट कैन गिव Na प्लस एंड OH माइनस। BaOH फोर ट्वेल्व इन एक्वस स्टेट इट कैन गिव Ba प्लस 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 OH माइनस। CaOH फोर ट्वेल्व इन एक्वस स्टेट इट कैन गिव Ca प्लस 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 OH माइनस। सॉल्ट कंपाउंड्स विच कैन कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू एनायंस एंड कैटायंस। फॉर एग्जांपल NaCl in aqueous state it can give Na plus and Cl minus. KCl in aqueous state it can give K plus and Cl minus. CaCl2 in aqueous state it can give Ca plus 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 Cl minus. यानी कि ऐसे कंपाउंड जो aqueous state में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और एनाइन और एनाइन और कैटाइन में डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्ट। अब इसके बाद अपने लोग स्टडी कर रहे हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है कि कंपाउंड्स which can result or end point of the reaction of the completion of reaction completion of reaction while it is added into compounds। इसका मतलब ये है कि जब हम इसे इंडिकेटर को किसी कंपाउंड में डालते हैं तो ये उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक कलर रिप्रेजेंट करता है और कलर रिप्रेजेंट करता है तो उससे इंडिकेशन मिलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है, हाफ कंप्लीट हुई है या इनिशियली है। तो कलर चेंज करके ये रिएक्शन की कंप्लीशन की हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब हमारे पास जो इंडिकेटर है उसके कई टाइप हैं। इंडिकेटर में हमारे पास जैसे मान लीजिए लिटमस है, लिटमस पेपर होता है हमारे पास। लिटमस पेपर एसिड, लिटमस पेपर दो तरह के हैं, एक तो ब्लू और एक रेड। ब्लू इंडिकेटर एसिड को, जब ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डाल देते हैं तो ये एसिड को रेड, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ब्लू इन लिटमस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड। और अगर मैं बेस
में अगर ये लिटमस पेपर डिप करा दूँ तो रेड रेड वाला जो लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंडिकेटर होता है। हमारे पास फिनोक्सिलिन होता है, फिनोक्सिलिन एसिडिक इंडिकेटर होता है। इसको इंडिकेट करने के लिए एच पी एच लिख दिया जाता है। एच मतलब एसिड के लिए है, एच पॉजिटिव, और पी एच का मतलब होता है फिनोक्सिलिन। ये एसिडिक इंडिकेटर होता है। कैसा इंडिकेटर होता है? एसिडिक इंडिकेटर, एसिडिक इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर केवल बेसिक सॉल्यूशन में ही कलर चेंज करता है। बेसिक सॉल्यूशन अगर जैसे मान लीजिए मैं NaOH का सॉल्यूशन ले लूँ तो ये NaOH के सॉल्यूशन में डिप कराने पर पिंक कलर का हो जाता है, जबकि अगर किसी इसको एसिडिक इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि बेसिक सॉल्यूशन में और एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन में ये वाइट से वाइट या कलरलेस होता है। ये कैसा कलर रिप्रेजेंट करता है? पिंक कलर, जबकि एसिडिक में ये कलरलेस ही रहता है। ये हमारे पास इंडिकेटर होता है। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। और भी इंडिकेटर है, जैसे टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर भी हमारा एसिडिक इंडिकेटर है। और ये जो हमारा इंडिकेटर है ये एसिडिक सॉल्यूशन में तो येलो ही रहता है, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कराया जाता है तुरंत ही इसका कलर रेड हो जाता है। अगर टर्मरिक पाउडर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए, टर्मरिक पाउडर वैसे भी येलो कलर का ही होता है, अगर मैं इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कराऊं तो इसका कलर येलो ही रहेगा। बट अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन में इसको ऐड कराऊं तो ये रेड कलर का हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन बेसिक है। और अगर मैं इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कराऊंगा तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एसिड है। और फैक्ट्री इंडिकेटर, और फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं जो स्मेल से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। यानी कि हम और फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब इसमें यूज करते हैं जो स्मेल से आइडेंटिफाई किया जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है या फिर नहीं कंप्लीट हुई है। तो ये इंडिकेटर जो है वो स्मेलिंग फील किया जाता है, उसके थ्रू ही बताया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए पनीर या फिर ऑनियन। ये सभी हमारे इंडिकेटर स्मेल से पहचाने जाते हैं, इसीलिए इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। अब इसके बाद अपने लोग टाइप्स ऑफ एसिड इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंडिकेटर एसिड होते हैं वो हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ये होता है कि सब्सटेंस विच कैन एसिड्स विच कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो एनिमल और प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जनरली It is being essence. For example, H2CO3, this is carbonic acid. Organic acid is ही हमारा weak acid है। जैसे हमारा tartaric acid, lactic acid, ये सभी हमारे क्या हैं? Organic acid होते हैं और ये प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं मिनरल एसिड।
मिनरल एसिड का मतलब ये होता है कि विच कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल H2SO4 क्योंकि क्या देता है H पॉजिटिव एंड SO4 माइनस. ये मिनरल एसिड है क्योंकि मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जनरली इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. इसको स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाटर में जाकर 100% डिसोसिएट हो जाता है. जो वाटर में जाकर 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं 6-10% डिसोसिएट होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है और जो वाटर में जाकर 100% डिसोसिएट हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है. और इसमें मिनरल एसिड इसका एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल H2SO4 HCl भी 100% डिसोसिएट हो जाता है. 100% डिसोसिएट होने का मतलब ये होता है जैसे HCl के 100 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं तो ये 100 के 100 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और Cl माइनस भी डिसोसिएट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड. अब इन्हीं में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. अभी मैंने बताया था कि विच कैन कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस. फॉर एग्जांपल HCl gives H positive and Cl minus HNO3 H positive and NO3 minus. HCl भी 100% dissociate हो जाता है वाटर में इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और HNO3 भी 100% H plus और NO3 minus में कन्वर्ट हो जाता है. मैंने भी बोला था मिनरल एसिड जितने भी होते हैं वो सभी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है. और इसके बाद हमारे पास वीक एसिड्स. प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो सभी वीक एसिड होते हैं क्योंकि ये वाटर में जाके मैक्सिमम 10% डिसोसिएट होते हैं और 90% मॉलिक्यूल्स इसके ऐसे ही रहते हैं. इसका मतलब ये है कि विच कैन पार्शियली डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. फॉर एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक एसिड जब ये टूटता है तो मुश्किल से 10% ये H प्लस और CO3 माइनस में टूटता है. मैक्सिमम 10% और 90% ये ऐसे ही रहता है. हमारे पास लैक्टिक एसिड फॉर्मूला होता है CH3CHOSCH3. ये लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड भी वाटर में जाकर 100% डिसोसिएट नहीं होता. ये प्रैक्टिकली देखा गया है. इसे देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा वाटर में जाकर 100% डिसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये प्रैक्टिकली देखकर बताया जाता है कि कौन सा एसिड कितने परसेंट वाटर में जाकर डिसोसिएट होता है. जो एसिड 99 और 100% वाटर में जाकर डिसोसिएट हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है और जो एसिड वाटर में जाकर मुश्किल से 10% डिसोसिएट होते हैं उसको हम बोलते हैं वीक एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब ये होता है कि जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा और वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है. यानी कि कंपाउंड्स विच 90% और मोर देन 90% एसिड 7%. इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. जैसे मान लीजिए HCl इसमें
90% या ऑलमोस्ट प्योर हमारा एसिड हो और रिमेनिंग 10% इसमें वाटर होता है, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जिसमें एसिड का अमाउंट कम और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं, यानी कि हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। डाइल्यूट एसिड का मतलब कि इन डाइल्यूट एसिड्स एसिड लेस देन 20% आर प्रेजेंट। जैसे यही मैं HCl ले लूँ और अगर इसमें मैं 10% HCl डाल दूँ, रिमेनिंग 90% में इसमें वाटर ले लूँ, तो मैं इसको बोलूँगा डाइल्यूट एसिड। और इसमें हमारा वाटर है और इसमें 10% हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में 90% एसिड और रिमेनिंग 10% वाटर होता है, जबकि इसका अपोजिट डाइल्यूट एसिड में होता है। तो डाइल्यूट एसिड में जो वाटर है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। जरूरी नहीं कि वाटर ही हो सकता है, उसमें एल्कोहल डाला हो या बेंजीन डाली हो या CCl4 डाला हो, कुछ भी जिसमें वो सॉल्युबल हो उसमें। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट कम है, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, फॉर जैसे HCl एसिड में HCl का अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, तब तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। और अगर उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा और एसिड का अमाउंट कम हो तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। एक छोटा सा टॉपिक और है डाइल्यूशन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर मान लीजिए मैं एसिड को वाटर में डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारा गर्म होने लग जाएगा बर्तन, और ये जो है प्रोसेस हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक। इसलिए है क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी एसिड को वाटर में डाला जाता है तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक माना जाता है, क्योंकि इसमें गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर हाई हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं एसिड को वाटर में ऐड कराता चला जाऊँ तो ये प्रोसेस हमारा बोला जाता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि जो एसिड है वो हमारा स्लोली वाटर में ऐड कराते जा रहे हैं। अब कितना ऐड कराते जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने 90% उसमें ऐड करा दिया तो फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा, और बहुत कम अमाउंट अगर मैं एसिड का वाटर में ऐड कराता जा रहा हूँ तो ये हमारा जो प्रोसेस होगा वो हमारा डाइल्यूशन ही बोला जाएगा। बट ये ध्यान रखना होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, चाहे आप एसिड को वाटर में डाल रहे हैं, वाटर में एसिड को नहीं डाला जाता है, एसिड को जब आप स्लोली वाटर में डाल रहे हैं तो उससे टेम्परेचर हाई हो जाता है। अगर आपने वाटर को एसिड में डाल दिया तो उससे रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, टेम्परेचर सडनली हाई हो सकता है और इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है।